हाय उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार का जो उद्योग विभाग है उसके द्वारा दो दो लाख रुपए देने के लिए बिहार में जो लघु उद्यमी योजना है उसको चलाया गया है जिसके माध्यम से आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो है फॉर्म को अप्लाई किया था और उनका सलेक्शन जो है तेईस फरवरी को ही कर दिया गया था रेंडोमाइजेशन जैसे कि आप सभी जानते हैं हमने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी भी दिया था ठीक है तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है वो तो खुश हैं कि चलो भाई हमारा सलेक्शन हो गया है तो अच्छी बात है सिलेक्शन हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन अभी जो एक और लिस्ट आया हुआ है जिसमें जो भी वेटिंग वाला बात बोला गया था कि जो भी लोगों का सिलेक्शन होगा उसके 20 परसेंट लोगों का जो है वेटिंग लिस्ट में नाम रखा जाएगा यानी कि मान लीजिए पचास अर लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो उसमें से लगभग दस अर लोगों का जो है वेटिंग लिस्ट में नाम रखा गया है तो उसका जो लिस्ट है अभी जो है पोर्टल पर देखेंगे तो पूरी तरह से लाइव कर दिया गया है जिसमें आप हमने लिंक दिया हुआ है आप चेक करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके अपना जो भी कैटेगरी है जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म को भरा हुआ है वो कैटेगरी का सिलेक्शन करके लिस्ट में नाम को चेक कर सकते हैं आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि लिस्ट में नाम चेक भी कर लिए होंगे ऐसा नहीं है थोड़ा सा हम वीडियो लेट बना रहे हैं क्योंकि वीडियो बनाने में और अपलोड करने में समय लगता है और शेड्यूल भी रहता है ठीक है ऐसा नहीं है कि जब अपडेट आएगा उस समय वीडियो बनाकर हम डाल देंगे तो ये पॉसिबल मेरे हिसाब से नहीं होता है तो लिस्ट में नाम आप चेक कर लिए हैं तो अच्छी बात है नहीं किए हैं लिंक नीचे है जाकर चेक कर लीजिएगा वेटिंग का जो लिस्ट है वो आ चुका है ठीक है और कल ही शाम को रिलीज़ कर दिया गया था अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आया हुआ है तो क्या आपको दो लाख रुपये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे समझिएगा वो चीज़ हम बताएँगे साथ ही साथ क्या जो पचास लोगों का सलेक्शन किया गया है फाइनल लिस्ट के लिए उन सभी को पैसे मिल जाएंगे उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पचास हज़ार लाभकों का सिलेक्शन किया गया है प्रथम लिस्ट उसको मान सकते हैं यानी कि मेन लिस्ट मान सकते हैं जिसमें आपका नाम आया हुआ है तो क्या आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये खुद से आप श्योर कर पाएंगे सबसे पहले तो सभी को पैसा नहीं मिलेगा इसलिए नहीं मिलेगा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ गलती किए हैं कोई जो आय प्रमाण पत्र है उसमें एडिट करके जानकारी डाला हुआ है कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इधर उधर करके डाले हुए हैं फॉर्म को भरे हुए हैं और फॉर्म भरते समय यह नहीं पूछा गया है ठीक है कि आप क्या डाल रहे हैं आपके मन की मर्जी आप जो भी डाले हैं फॉर्म तो सबमिट हो गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पैसे मिल जाएंगे क्योंकि इसका क्या होगा कि सत्यापन होगा जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है उसका सत्यापन किया जाएगा सत्यापन में अगर आप सफल हो पाते हैं तभी जो आपको पैसे मिलेंगे ठीक है तो सत्यापन किस तरह से होगा उसकी जानकारी हम आपको बहुत ही जल्द अपडेट करवा देंगे हालांकि अभी विभाग के द्वारा इसका सत्यापन आई थिंक हो भी रहा होगा क्योंकि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ना उसी को सत्यापन आई थिंक किया जाता है नहीं तो जिला लेवल से बुलाकर आपको सत्यापन की जा सकती है दोनों चीज़ अपनाए जा सकते हैं जिसके लिए मेरे पास कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है लेकिन जो उद्यम योजना का जो सिलेक्शन होता है वही प्रोसेस इसमें भी निभाया जाएगा जैसे कि मैं समझता हूँ ठीक है क्योंकि ज़िला बार सूची भेज दिया जाता है और ज़िला के जो भी उद्योग प्रबंधक होते हैं उनके माध्यम से सत्यापन कर लिया जाता है लिस्ट वहाँ पर चिपका कर तो इस तरह से हो सकता है तो जिनका भी सत्यापन होगा उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा उसके बाद क्या होगा कि जो वेटिंग लिस्ट में है उसमें से जो है लोगों का चयन किया जाएगा तो ऐसे में समझिए कि पचास हर लाभुक में से मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लाभुक ऐसे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट होगा काफी भारी मात्रा में रिजेक्ट होगा क्योंकि काफी सारे लोग गलती भी किए हुए हैं फॉर्म भरने के लिए तो जैसे ही रिजेक्ट होगा वैसे जो भी वेटिंग लिस्ट में है उनको जो है लाभ दिया जाएगा चयन करके तो इस तरह से आपका प्रोसेस होने वाला है ठीक है अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया है तो आप मान सकते हैं कि आपको भी पैसे मिलेंगे क्यों क्युं मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग का फॉर्म रिजेक्ट होगा तो आप सेलेक्ट होंगे और आपका भी सही डेटा होने चाहिए ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा आपका भी डेटा सही रहेगा तभी तो आपको पैसा मिलेगा यानी कि जो भी पत्रकारताएँ हैं जो भी डॉक्यूमेंट है जो भी जानकारी आपने दिया हुआ है वो एक्चुअल में उस योजना के लायक है तभी आपको मिलेगा तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी बता दिया हुआ है तो अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया है अभी तैयार रहिए आपको पैसे मिलेंगे इसलिए मिलेंगे कि जब पचास और लाभुक का सिलेक्शन किया गया उसमें से कोई भी लाभुक अगर रिजेक्ट होता है लाजिम सी बात है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रिजेक्ट किए जाएंगे क्योंकि उनका जो फॉर्म है वो गलत है डॉक्यूमेंट गलत है तो रिजेक्ट के कंडीशन में जो भी प्रतीक्षा सूची में है उनको यहाँ पे चयन किया जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जो है सभी जानकारी आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी